किशन रेड्डी मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोशन मिला है, प्रधानमंत्री मोदी के 2.0 कैबिनेट का सबसे युवा चेहराओं में से एक हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और अभी जो टीम काम कर रही है उसमें से ज़्यादातर युवा मोर्चा के हैं, इसीलिए उनको फ़ायदा मिला है। अपने काम को कंप्लीट करने में माहिर माने जाते हैं और गृह राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, इसीलिए जी किशन रेड्डी को प्रमोशन दिया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अब उन्हें कोई नया और महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता है। अनुराग सिंह ठाकुर अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा में से, ये भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर BCCI के भी अध्यक्ष रहे हैं, बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। प्रेम कुमार धूमल जो हिमाचल के मुख्यमंत्री थे उनके बेटे हैं, हमीरपुर से कई बार सांसद बन चुके हैं। अनुराग ठाकुर के बारे में खासियत ये है कि जो काम दिया जाता है बेहद शिद्दत से पूरा करते हैं। कोरोना काल में वो वित्त मंत्रालय का हिंदी का चेहरा बने थे क्योंकि निर्मला सीतारमण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अंग्रेजी में करती थी, अनुराग ठाकुर हिंदी में। प्रेम कुमार धूमल और नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे संबंध रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी उस समय हिमाचल के महासचिव प्रभारी थे। अनुराग ठाकुर अपने काम की बदौलत इस पद पर पहुंचे हैं।